विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। गणेश का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया है। नाथ, आप वहां जाइए और गणेश को शांत करने का उपाय कीजिए। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी श्वास से मेरा खिंचाव बंद करो। कपटी निर्लज्ज असुर, तुम जीवित रहने के योग्य ही नहीं। हे ब्रह्मदेव, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप दोनों ने अपनी भक्ति के उदाहरण से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ति का उद्देश्य पवित्र हो, उसका हृदय निर्मल हो, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि जिनके विचार शुद्ध हैं, निर्मल हैं, भगवान भी उन्हीं का साथ देने के लिए प्रेरित होते हैं। आप दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीष देता हूँ। ये सभी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं। जीवन में सुख पाने के लिए इन्हें प्राप्त करना आवश्यक भी है, किंतु भोग के इन वस्तुओं से अत्यधिक मोह करना उचित नहीं। आप दोनों इनका आनंद उठाते हुए भी अपनी भक्ति और निष्ठा को सदा बचाकर रखिएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, और जो भगवान की भक्ति से ही संभव है। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है, किंतु मुझे अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा। माता, आप दोनों का कल्याण हो। गणेश, अब मेरा जीवन तो मिट रहा है, किंतु अभी ये शत्रु तो नहीं मिटी है। मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र। ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा।
इस युद्ध को तुम कभी समाप्त नहीं कर सकोगे। ओम नमः शिवाय। गणेश का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया है। गणेश जी का क्रोध तो गर्जना के रूप में चारों दिशाओं में ध्वनित हो रहा है। नाथ, गणेश इतना क्रोधित क्यों है? मैं विनती करती हूँ, आप वहां जाइए और गणेश को शांत करने का उपाय कीजिए। इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया और क्यों? मुझे क्रोध के इस आवेग को थामना होगा। फूफा जी यहाँ है, वो अवश्य यहाँ शांति स्थापित कर देंगे। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, इतने क्रोधित क्यों हो तुम? ओम नमः शिवाय। मैं सभी को गणेश के विरुद्ध कर दूंगा। मैं गणेश को ऐसा कृत्य करने पर विवश कर दूंगा कि सभी उसको आयुग महादेव पुत्र मान लें, जैसे अभी तक मैं रहा हूँ। होता है फूफा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतिरूप योद्धा गणेश पर हो रहा है, वो शांत होता दिख रहा है। पुत्र गणेश, इतना दुस्साहस कि कोई मेरा सामना करे, मेरे समक्ष आकर मुझे टोके, इसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी सांस से मेरा खिंचाव बंद करो। ये हो क्या रहा? गणेश जी ब्रह्मदेव को अपने भीतर क्यों खींच रहे? गणेश जी अपने विकराल योद्धा रूप में ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मदेव, यदि उन पर संकट आया तो समस्त सृष्टि पर संकट आएगा। पुत्र गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? आपने मुझे टोका क्यों? क्यों टोका आपने मुझे? ये गणेश जी ब्रह्मदेव के प्रति इतने कठोर क्यों हो रहे हैं? ये कैसा क्रोधावेश है उनका? ये क्या कर रहे हैं गणेश जी? गणेश ने तो जैसे निश्चय कर लिया है, वो शांत नहीं होगा। मेरा क्रोध अभी शांत नहीं होने वाला। गणेश रुक जाओ।
पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। रुक जाइए गणेश जी। गणेश जी शांत हो जाइए। रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए। गणेश जी रुक जाइए। यदि गणेश की सूंड ने मुझे अपने भीतर खींच लिया तो मैं इस अनंत अंधकार में समाहित हो जाऊंगा। ये तो गणेश जी का स्वर है, किंतु गणेश जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर ये स्वर किसका है? एक और गणेश जी, यहाँ दो दो गणेश जी कैसे उपस्थित हैं? ये कैसे संभव है? गणेश, गणेश शांत हो जाओ। ये क्या हो गया है मुझे? क्रोध के ऐसे भीषण आवेग में क्यों बहा जा रहा हूँ मैं? नहीं, मुझे शीघ्र कुछ कर इस क्रोध के उन्माद, अन्यथा जिस किसी शक्ति के भी प्रभाव में हूँ मैं, उससे स्वयं को मुक्त होना होगा। कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं? क्या हो रहा था यहाँ? फूफा जी, क्या मैंने आपको? हाँ, अपने क्रोध के आवेग में तुम फूफा जी को क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए फूफा जी, ज्ञात नहीं अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे अतिरेक में बह गया मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे। गणेश, तत्काल अपनी वास्तविक अवस्था में आओ, अभी इसी क्षण। गणेश जी, आप दो रूप में प्रकट हो गए, और क्यों? सूर्यदेव, मेरे भक्तों ने मेरी पूजा का संकल्प किया था, किंतु असुर दुर्बुद्धि उनके संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, तो मैं वहीं अपने भक्तों के साथ रुक गया, जिससे वो निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर सके। किंतु मेरा विकराल योद्धा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए, दुर्बुद्धि का अंत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। गणेश जी, आपकी लीला तो अद्भुत है। आपने एक भक्त की भक्ति का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धि रूपी संकट का भी अंत कर दिया। धन्य है आप। यदि भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी? गणेश जी, अब जब दुर्बुद्धि का अंत हो ही चुका है, तो आप दोनों पुनः एक ही कर क्यों नहीं हो जाते? वायुदेव, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि एक समस्या है। गणेश जी, अब जब दुर्बुद्धि का अंत हो ही चुका है, तो आप दोनों पुनः एक ही कर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वायुदेव, जब तक मैं अपने क्रोध का कारण समझ नहीं लेता, तब तक मैं अपने क्रोध स्वरूप को स्वयं से विलग रखना चाहता हूँ।
ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोध अनियंत्रित हो जाए, तो मैं अपने मूल रूप से स्वयं को शांत रखकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में सक्षम रहूं। और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। किंतु अब ये कर्तव्य शेष है गणेश, जिसका उल्लेख अभी तुमने किया। तुम्हारे भीतर अचानक उत्पन्न होने वाले क्रोध का स्रोत शीघ्र ज्ञात करना भी अति आवश्यक है। पिताश्री, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो मैं स्वयं करने जा रहा था। उचित है पुत्र, आत्मचिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। अपनी भूलों को समझकर अपने दोषों का निवारण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आत्मचिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ। फूफा जी, मुझे अपने कृत्य के लिए ग्लानि कम होगी यदि। पुत्र, तुम्हें ग्लानि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। फूफा जी, वास्तविकता में मेरा अनुरोध तो ये था कि आप माँ से इस विषय में कुछ ना कहें, अन्यथा वो मुझे कहीं मेरे प्रिय भोजन मोदक से वंचित ही ना कर दे। महादेव, ब्रह्मदेव, अब हमें भी चलना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम प्रभु। गणेश जी, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम प्रणाम। गणेश, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या हो गया है तुम्हें? फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? ये तो मैं स्वयं भी समझने में असमर्थ हूँ कि मुझ पर अचानक किसका प्रभाव छा गया था। क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता गणेश, उसे सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। तुम मुझे समझा रहे हो? तुम स्मरण नहीं, जब चंद्रदेव के साथ वो घटना घटित हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम? तब मैं भी तुम्हें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना? मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया, मेरे इस कथन पर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम? मुझे ज्ञात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे, अन्यथा क्या मैं कल्पना में भी फूफा जी को क्षति पहुंचा सकता हूँ? बोलो। हाँ, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है, किंतु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा। हाँ, क्योंकि ये घटनाक्रम कहाँ जाकर थमेगा किसे ज्ञात है। कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया, आज मैं क्रोधवश फूफा जी को ही निगलने चल दिया, तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुँच सकते हो। फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हो, और तो और स्वयं भैया पर भी आक्रमण कर सकते हो। मैं नहीं, तुम। मैं अर्थात तुम। समझ गया समझ गया, हम दोनों एक ही तो हैं। चलो इसकी चर्चा छोड़ो, ये बताओ तुम क्या अभी भी क्रोध से प्रभावित हो? नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहो, क्रोध आया तुम्हें? अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ, क्यों क्रोध आया तुम्हें? नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का आभास नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है, और इसका रहस्य शीघ्र ज्ञात करना होगा हमें। वो तो है, किंतु ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। गणेश का जन्म दिवस, महादेव का प्रिय पुत्र, क्रोध का आभास हुआ क्या? तो हाँ,
अब हुआ मुझे अत्यंत क्रोध का आभास, अत्यंत क्रोध का। गणेश को पुनः क्या हो गया है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ओह, तो क्रोध का स्रोत ये लाल धूम्र है। और ये धूम्र तो आकाश मार्ग से अवतरित हो रहा है, जहाँ आकाश इसके प्रभाव से रक्त वर्णीय हो गया है। जब हमें ये ज्ञात हो ही गया है तो विलंब किस बात का, हमें यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। जो भी इस क्रोध का कारण है, अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा। मैं तो उसे मसलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। क्या है वो गणेश, उसका सामर्थ्य क्या है? प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त की है उसने, क्योंकि महादेव का पुत्र है वो। यही है उसके प्रति सभी के स्नेह का कारण। किंतु मैं भी तो महादेव पुत्र हूँ, तो मैं अपना अधिकार अवश्य लूंगा, वो सब छीन लूंगा गणेश से, जो उसे प्राप्त है, उसके पिता का स्नेह, उसका उच्च पद, देवताओं में उसका स्थान। गणेश, अभी मेरे प्रकोप से सामना कहाँ हुआ है तुम्हारा? ये जिसका भी दुष्कृत्य है उसे अब उचित दंड दूंगा मैं। क्रोध किसी से भी भूल करवा सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो यहाँ आकर मेरे तप में व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं गणेश। रोक दो इस ऊर्जा को, अन्यथा क्या करोगे तुम?